के निंद्रम पार्क में समाज सेवी दीपक राजपूत, सोनू नोनाल, राजीव फौजी, रोहित कपूर का सराहनीय कदम। रोजाना 200 लोगों को खिला रहे हैं खाना। जी हाँ, जहाँ एक तरफ देश कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है, तो वहीं काफी लोगों को दो वक्त की रोटी खाने के लिए भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी समस्याओं को कम करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया इन समाज सेवकों ने। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तम नगर के नंदराम पार्क में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के चलते जहाँ पर एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तो वहीं काफ़ी लोगों को दो वक्त का खाना खाने पर भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हीं मुश्किलों को कम करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से नंदराम पावा के समाज सेवी दीपक राजपूत, राजीव फौजी, सोनू डोनाल्ड, कपूर जी खाना बांटते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को यहाँ पे चावल वगैरह, दाल वगैरह, रोटी वगैरह की व्यवस्था की गई है, जो है लोगों को दिया जा रहा है। इनका कहना है कि डेली इसी तरह ये रोज़ खाना बांटते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोगों की लाइन लगी है जो खाना लेने यहाँ पे पहुँचे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, जी हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग यहाँ पे खड़े हैं और अपने नंबर आने का यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, और जिस जिस का जो नंबर आता है उसको उतना खाना दिया जाता है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दीपक राजपूत, राजीव फौजी जी, सोनू डोनाल्ड जी और रोहित कपूर। इनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से ये खाना सभी को बांटते हैं और कितने समय से खरीदते हुए आए हैं, वो इनसे जानते हैं। अब मैं आपके पास आऊँगा। क्या नाम है आपका? रोहित कपूर। रोहित जी, आज आप जिस तरह लॉकडाउन है, सभी को खाना बांट रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, एक डेढ़ महीना हो गया जब से ये लॉकडाउन हुआ है गवर्नमेंट का जी। जब से हम गरीबों के लिए खाना बनवा के और ख़ुद इसको बांट रहे हैं जी। और जितना कोई मदद मिल भी आपको भी? अभी तो हमें किसी से मदद नहीं मिली, हम सिर्फ चार पांच भाई हैं, वही मिलके डोनेट कर रहे हैं जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जितना आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन में काफ़ी समस्याएं हैं, खाने को लेके बड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को। हाँ, यहाँ नंदराम पार्क में कई लोगों को खाने की समस्या है, वो हम पूर्ति करते हैं। हमने यहाँ पे घरों घरों में जैसे बोल रखा कि चार रोटी और सब्जी आप पहुँचाए, वो दो शाम को छः बजे के बाद हमें यहाँ पहुँचा देते हैं। और हम NGO से भी बनवाते हैं और अपनी पर्सनल रोटियाँ भी बनवाते हैं। जैसे दीपक भाई हैं, गुड्डू भाई हैं, फौजी भाई हैं, हम सारे मिल के पैसे मिला के रोटियाँ मंगवाते हैं। 100-200 रोटियाँ वो जिनको ज़रूरतमंद लोगों को बांट सकते हैं। आप देखना देख सकते हैं इन ज़रूरतमंदों को हम खाना बांटते हैं पूरे दिन। तो क्या लगता है कितने समय से अभी करते हुए आ रहे हैं? ये आज हमको पूरे 40 दिन होने वाले हैं बांटते हुए कंटिन्यू खाना। पहले दीपक वोरा भाई हमारे बटवाते थे खाना, अब हम उन्होंने कहना मैं अभी 5-6 दिन से बंद कर दिया है, हम फिर भी कंटिन्यू जारी रख रहे हैं खाना बांट। आप देख सकते हैं खाना बनवाया हमने और ये इनमें खाना बांटेंगे हम गरीबों में। राजीव जी, आपके पास आऊँगा। जिस तरीके से यहाँ पे काफ़ी बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो किस तरह पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है? सोशल डिस्टेंस रखा गया है, बच्चों की अलग लाइन है, बड़ों की अलग लाइन है। बच्चों को अलग खाना बांटते हैं, बड़ों को अलग खाना बांटते हैं। कितने लोग आते हैं डेली के? डेली आ जाते हैं 100-150 बंदे तो हो ही जाते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं, कई बार 200-250 भी हो जाते हैं। तो सिर्फ शाम को है या सुबह भी होता है सर? हम शाम को बांटते हैं, हमारा एक NGO है वहाँ पर सुबह दोपहर में बांटता है, दोनों टाइम खाना ही प्रोवाइड किया जाता है। दीपक भाई राजपूत भाई हैं इनकी तरफ से, और दीपक वोरा भाई, सोनू डोनाल्ड, दीपक अपना कपूर भाई है, ये सारे मिलकर करते हैं जो भी काम करते हैं। दिल्ली सरकार से कोई मदद के लिए आपने बात की इसको लेकर? नहीं, दिल्ली सरकार कोई मदद नहीं दे रही इसमें, हम सारे लोग हैं, दीपक बोरा जी हैं, सोनू डोनाल्ड भाई है, फौजी भाई है, रोहित कपूर है और मैं हूँ, काफ़ी हम सारे लोग मिलके अपने पास से ही करते हैं, कोई दिल्ली सरकार की मदद नहीं है। क्षेत्रीय विधायक वगैरह से आपने कहीं बात की इसको लेके? विधायक तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, वो तो यहाँ पे है नहीं, वो तो दिख ही नहीं रहे जब से ये काम हो रहा है। वो तो पहले कहते थे उत्तम नगर मेरा परिवार है, अब तो उत्तम नगर में दिखते ही नहीं वो। तो जिस तरीके से आप खाना बांटते हो, क्या अलग अलग खाने में अलग अलग प्रकार की वो चीज़ें होती हैं? कभी आज जैसे दाल रोटी या कल कुछ और होगा? हम सारे बनाते जैसे दाल हुई, कड़ी हुई, और पड़ोसी भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं नंदराम पार्क के, हर घर से रोटी आ रही है, सब्जी आ रही है, पूरा पड़ोसी का सहयोग है हमारे यहाँ से। जिस तरह पूरी आप एक साथ टीम मिलके सभी काम कर रहे हो, सबके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये सबका बढ़ चढ़ के सहयोग है, इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं सारे भाइयों का। इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे सोनू भाई का, पूरे दिन रात लगे रहते हैं और बढ़िया काम कर रहे हो। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, किस तरह से आपके साथ जुड़ सकते हैं, जो आपकी मदद करे? नहीं, जुड़ने के लिए सारे जुड़े पड़े, पूरी कॉलोनी हमारे साथ है, सब सर पूरा घर सहयोग कर रहा है हमारे को, सारे रोटी दे रहे हैं, चार चार रोटी बना के दे रहे हैं पूरे घर से। पिछले 40 दिन से ये जो सेवा है, ये चारों मिलके करते आए हैं, जिनके अंदर काफ़ी लोग इनका सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो काफ़ी काबिल तारीफ बात है जो इस तरीके से ये कुछ लोग उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको दो वक्त की रोटी खाने पर भी मुश्किल हो रही है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत सिंह के साथ जितेश अनेजा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।